जय माता दी साथियों, मैं रंग विश्वकर्मा आज आपको अपने इस चैनल नरंग विश्वकर्मा में क्लास 12th के केमिस्ट्री के अध्याय 2 विलयन के इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा। इस चैप्टर में मैं आपको मूलरता के बारे में बताऊंगा। तो किसी विलयन की 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या को मूलरता कहते हैं। आपको इसमें विशेष रूप से याद रखना है कि मूलरता का संबंध किससे है, विलयन के। आप यहाँ पर रह सकते हैं किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मूलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या, अर्थात 1 लीटर आयतन में कितने मूलों की ग्राम अणुओं की संख्या उपस्थित है, उसे क्या कहते हैं, मूलरता। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मूलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या को मूलरता कहते हैं। विलयन में मूलरता का संबंध किससे है, विलयन से। आपको वेरी वेरी एक बहुत महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है, अनिवार्य रूप से याद रखना है कि मूलरता का संबंध किससे होता है, विलयन से। किससे संबंधित होता है, विलयन से, क्योंकि आपको इस चैप्टर में मूलरता और मूललता में अंतर याद रखना है। मूलरता को ग्राम अणुकता भी कहते हैं, इसे किस नाम से भी जाना जाता है, ग्राम अणुकता। आपको यह भी याद रखना है कि यदि ग्राम अणुकता आए तो यही है, मूलरता आए तो यही है। इसे दो नाम से जानते हैं, ग्राम अणुकता और मूलरता। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या को मूलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल एम से। आपने परिभाषा में देखा कि मूलरता का संबंध किससे होता है, विलयन से। इसे किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल एम से। अब यहाँ पर इसे किसने व्यक्त करते हैं, कैपिटल एम से। यहाँ पर क्या लिया जाता है, 1 लीटर आयतन। यहाँ पर ये भी याद रखना है कि किसका व्यक्त इसमें क्या लेते हैं, 1 लीटर आयतन। अब यहाँ पर आपको मूलरता में 3-4 विशेष बिंदु याद मिल रही है आपको, किसका संबंध विलयन से है, ठीक है ना। इसमें विलायक की मात्रा महत्वपूर्ण है। विलयन, विलेय, विलायक, ये क्या होते हैं, पिछली वीडियो में बता चुके हैं। इसमें क्या लिया जा रहा है, 1 लीटर आयतन। विलयन का कितना आयतन लिया जा रहा है, 1 लीटर। आप वेरी रूप अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से याद रखना, अनिवार्य रूप से याद रखना, क्योंकि जब मैं अपने चैप्टर मूलरता मूललता में अंतर बताऊंगा तब आपको वहां पर इसकी आवश्यकता होती है कि मूलरता क्या और मूललता क्या है। तो इसका संबंध किससे है, विलयन से। इसमें विलयन कितनी मात्रा लेते हैं, 1 लीटर। यहाँ पर इसे किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल एम से। मूलरता के लिए संबंध जब विलयन से, इसके लिए विलायक क्या होगा, महत्वहीन होता। क्या होगा विलायक, महत्वहीन। इसका जो सूत्र होता है, डब्लू गुणे 1000 बटे एम डब्लू गुणे वी। यहाँ पर डब्लू का तात्पर्य होता है विलेय का द्रव्यमान। डब्लू का तात्पर्य क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान। एम डब्लू का तात्पर्य होता है विलेय का आणविक द्रव्यमान। एम डब्लू को क्या कहते हैं, विलेय का आणविक द्रव्यमान। भी का तात्पर्य यहाँ पर है आयतन। यहाँ पर क्या, भी का तात्पर्य आयतन, लेकिन किसका आयतन है, विलयन का। क्या पहले बता चुके हैं कि यहाँ पर विलयन ही संबंधित है। और यहाँ का तात्पर्य यहाँ पर है, कैपिटल एम को किससे व्यक्त करते हैं, मूलरता। ये आपको संकेत जरूर लिखना है परिभाषा इसकी बात, क्योंकि इस पार्ट से 2 नंबर और 3 नंबर का निकाला, तो उसमें परिभाषा के साथ साथ आपको इतना वर्णन लेना है। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मूलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या को मूलरता कहते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसमें के आपको अब यहाँ पर मोस्ट बिंदु याद रखना है कि मूलरता का संबंध किससे है, विलयन से। इसे लीटर में व्यक्त, इसे लीटर विलयन को लीटर में लेते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब हम आपके इसके कुछ अंकित प्रश्नों को लेंगे। अंकित प्रश्नों के लिए हम अंकित प्रश्न लिख रहे हैं। देखें, 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिली विलयन में घोला गया है। विलयन के मूलरता की ज्ञात करो। यहाँ पर NaCl का आणविक द्रव्यमान 58.5 दिया गया है। यदि 58 द्रव्यमान नहीं दिया गया हो तो हम किस प्रकार आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, यह हम आपको आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए एक अगला वीडियो अपलोड करेंगे। तो आपको पहले हम क्वेश्चन बता दें, 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिली विलयन में घोला गया है, विलयन की मूलरता ज्ञात करो।
यहाँ पर फुटनोट में क्वेश्चन में दिया गया है NaCl का आणविक द्रव्यमान 58.5 है। आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं इसके लिए हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे। तो आपको सबसे पहले इस प्रकार के सवालों में दिया है क्या प्राप्त होना चाहिए, किसमें क्या क्या दिया गया है। जैसे आपको पता है कि सूत्र होता है डब्ल्यू गुणे 1000 बटे एम डब्ल्यू गुणे वी। तो यहाँ पर हमें विलयन और विलय का आणविक द्रव्यमान चाहिए। ये सूत्र होता है आपका, सूत्र क्या होता है, सूत्र है आपका एम बराबर डब्ल्यू गुणे 1000 एम डब्ल्यू गुणे वी। अब यहाँ पर हमें W चाहिए, एम डब्ल्यू चाहिए और वी चाहिए। यहाँ हमें तीन चीजें प्राप्त होगी तब इसका मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें मोलरता ज्ञात करें या मोललता ज्ञात करें, जो कम मात्रा हो उसमें विलेय कहेंगे, चाहे मोलरता ज्ञात करें या मोललता, जो कम मात्रा में वो विलेय, या इससे यहाँ पर कह सकते सांद्रता व्यक्त करने मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, परमलता, ppm कुछ भी ज्ञात करें, जो कम मात्रा में वो विलेय है, जो अधिक मात्रा में है या तो वो विलयन होगा या विलायक होगा। अब यहाँ पर इसका संबंध विलयन से है इसलिए अधिक मात्रा में क्या दिया गया है विलयन। या फिर अपन क्वेश्चन कैसे पढ़ लें, क्वेश्चन के अनुसार 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिली विलयन में घोला गया है, अर्थात विलय की मात्रा कितनी है 5.85, क्योंकि हमने अभी आपको बताया जो कम मात्रा में वो क्या है विलय। अब इसे कितने में घोला गया है 200 मिली विलयन। अब देखिए आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि विलयन की मात्रा कितनी है, तो अपन क्या लिख सकते हैं विलेय की मात्रा को विलेय को कैसे व्यक्त करते हैं डब्ल्यू बी से, ठीक है ना। अब यहां पर विलेय की मात्रा कितनी है, विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का द्रव्यमान कितना है 5.85। अब देखें अब विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का इसमें आणविक द्रव्यमान दिया गया है इसलिए हमें निकालने की जरूरत नहीं है। यदि नहीं दिया गया होता तो हम क्या करते निकालते, किस प्रकार निकालेंगे इसलिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। आणविक द्रव्यमान इसमें दिया गया है 58.5। अब देखें विलयन का आयतन, विलयन का आयतन आपको देख सकते हैं कि 200 मिली दिया है, कितना दिया है 200 मिली। जो कम मात्रा में जो घोला गया वो विलय है, जो अधिक मात्रा में वो तो विलयन हुआ या मिलाया हुआ। और विलयन में विलय का द्रव्यमान आपको आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे, या तो फिर क्वेश्चन में दिया गया, जब दिया गया है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, यदि नहीं दिया गया तो हम आपको बना देंगे वीडियो बना देंगे इसके लिए। तो विलेय को बी से पृथक करते विलायक को ए से, तो विलेय का द्रव्यमान कितना है 5.85 आपको दिया गया है। विलेय का आणविक द्रव्यमान एक पुस्तक में दिया गया है NaCl का आणविक द्रव्यमान 5.85। अब विलयन यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा विलयन का आयतन है 200 मिली। अब आपको क्या ज्ञात करना है मोलरता, मूलरता को क्या कहते हैं ग्राम अणुता कहते हैं, क्या कहते हैं ग्राम अणुता। मूलरता बराबर क्या करना है एम बराबर सूत्र होता है डब्लू गुणे 1000 बटे एम डब्लू गुणे, ये आपका सूत्र होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं डब्लू की मात्रा कितनी दी गई 5.85, 1000 जहाँ का एम डब्ल्यू की मात्रा कितनी दी गई है 58.5, विलयन का आयतन कितना दिया गया है 200, ये मात्रा आपको दी जा चुकी है। अब इसमें आपको इतना मान रख देना कुछ नहीं करना है, यदि आपने मान रख लिया तो आपका फिर सवाल लगाना बिल्कुल आसान है, फिर आपको सवाल लगाने में कोई भी परेशानी नहीं आ सकती है, ठीक है ना। अब देखते हैं आप यहाँ पर देखें 1.0 से 1.0 कैंसर, 1.0 से 1.0 कैंसर। अब यहाँ पर क्या बचा है हम बराबर 5.85 गुणे 10 बटे में क्या बचा 58.5 गुणे 2। अब इसका
क्या करेंगे, अब देखें अपन इसको ऊपर से ऊपर गुणा कर देंगे, ऊपर गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो अपना जब गुणा करोगे तो इसका प्राप्त होगा 58.5 बटे 58.5 गुणे 2, 58.5 से 58.5 क्या हो जाएगा कैंसल, तो मूल अर्थ कितनी प्राप्त हुई 1/2, मूल अर्थ कितनी प्राप्त हुई 1/2। इस प्रकार आप मूल अर्थ ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आपको अगले वीडियो में आणविकता के ग्राम आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं ये बताएंगे। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तब आप मेरे चैनल आनंद विश्वकर्मा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिससे मेरे द्वारा बनाए गए लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको तत्काल प्राप्त हो सके। जय माता दी साथियों।